हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल सूद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपके लिए 6 ऐसे बेस्ट ट्रिक्स लेके आया हूं जिन्हें यूज करके आप अपने पीसी पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर शायद ये आपको ट्रिक्स पता हो, अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्यूटर के नए 6 ट्रिक्स सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है वो ये है कि न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सबको पता है कि माउस के राइट क्लिक करके न्यू यहाँ पर जाके और ये ऊपर फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो फोल्डर बन जाता है। आज मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिसे यूज करके आप एक आसानी से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एन। आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया तो ये एक फोल्डर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी पहली ट्रिक की शॉर्टकट ट्रिक से फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी दूसरी ट्रिक ये है कि आप जैसे कि मैंने पहले ये देखिए, पहले मैंने ये डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, फिर मैंने ये पिक्चर्स ओपन की, उसके बाद मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया। तो फ्रेंड्स, कई बार हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को ओपन किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको विंडो बटन प्रेस करके रखना है और टैब बटन को प्रेस करते रहना है। विंडो बटन को आपको प्रेस करना है और टैब को प्रेस करते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें ओपन होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जो जो नीचे टास्क बार में आपकी चीज़ें ओपन है, देखिए जैसे कंट्रोल पैनल, मेरा डॉक्यूमेंट, मेरे फोल्डर, ये विंडो, आपको जो चीज चाहिए, जैसे मेरे को ये नेट का चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये नेट ओपन हो जाएगा। ये थी हमारी फ्रेंड्स दूसरी ट्रिक। तो आइए तीसरी ट्रिक सीखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे हमारा टास्क बार आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ ये विंडो का ऑप्शन आता है, नेट का और साउंड का। आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके टूल बार पे क्लिक करना है। टूल बार जैसे ही ओपन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन न्यू टूल बार। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, उसके लिए आपको एक डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू फोल्डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहां लिखता हूं आरएस कंप्यूटर ज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसमें आप जो भी लिखना चाहो, का नेम, कुछ भी डेट, कोई डेट ऑफ बर्थ किसकी, या कोई रिमेम्बर वाली चीज, जो आपके सॉफ्टवेयर का नाम, मैंने यहाँ पर अपने पीसी का नाम लिखा है। तो फिर वही ऑप्शन टास्क बार पे लेफ्ट टूल बार और न्यू टूल बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, डेस्कटॉप पर जाके आपको वो फोल्डर को सिलेक्ट करना है और उसे ओके करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे नाम आ चुका है आरएस कंप्यूटर ज्ञान। ये देखिए फ्रेंड्स, आरएस कंप्यूटर ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी चौथी ट्रिक के पास चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये ओपन किया एक फोल्डर, हमारी ये चौथी ट्रिक है मिनिमाइज की। तो फ्रेंड्स, अब हम मिनिमाइज करेंगे तो हमको ये चीज पहले माउस से कर्सर से इसको ऐसे मिनिमाइज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ओपन की तो उसको हम ऐसे मिनिमाइज करते हैं। आज मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिससे अपने आप मिनिमाइज होगी। आपको विंडो और एम की को प्रेस करना है, विंडो की और एम की को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने विंडो और एम की को प्रेस किया तो वो मिनिमाइज हो गई, विंडो और एम। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये ट्रिक, आइए अब शुरू करते हैं अपनी फिफ्थ ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने बहुत सारे ऑप्शन, जैसे माइक कंप्यूटर ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट ड्रीस ओपन करता हूँ, फिर मैं सेल्फ आर्ट ओपन करता हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने बैक जाना है तो मैं यहां से बैक जाऊंगा फ्रेंड्स, यहां से। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। जैसे कि आपने ऑल्ट की प्रेस करना है और एरो की, कीबोर्ड की एरो की, अगर आपने बैक जाना तो लेफ्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, ऑल्ट प्रेस करके, ये देखिए फ्रेंड्स बैक। आपको साथ में कीबोर्ड के एरो राइट और लेफ्ट। अब मैंने आगे जाना तो फ्रेंड्स ऑल्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, जो जो मैंने खोला तो वो ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पांचवी ट्रिक। तो फ्रेंड्स अब हमारी सिक्स ट्रिक है, वो ये है कि जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यूट्यूब को ओपन किया और ये जीमेल का। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हम नेट कर रहे होते हैं तो गलती से हमारा जीमेल का जो कोई हमारा कोई .com खुला होता है वो हमें से कट हो जाता है। जैसे अब मैं ये एक मेरे चैनल का मैंने खोला यूट्यूब पे और gmail.com, अब मैं gmail.com को क्लिक गलती से कट हो गया मुझसे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, दोबारा से भरेंगे, दोबारा से खोलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप, अगर आपकी कोई साइट बंद हो गया वो ओपन हो जाएगी। आपको करना है कि आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी को प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। ये देखिए फ्रेंड्स प्रेस करते ही वो जो आपकी .com थी ये देखिए फ्रेंड्स वापस आ गई है। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की ये सिक्स ट्रिक्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।